हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपको जो L&T कंपनी का VF प्लस पावर फैक्टर मीटर होता है इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं, WL4110 जो मीटर होता है उसको प्रोग्राम कैसे करते हैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर दो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली सभी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग ड्राइंग एंड प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसमें प्रोग्रामिंग के लिए दो बटन होते हैं अप एंड डाउन, और उसके बाद देख सकते हैं VLL या RVN, ये एवरेज हमारी वोल्टेज होती है जो सिंगल फेज और थ्री फेज की दिखाता है। उसके बाद देख सकते हैं करंट दिखाता है इसमें और नीचे दिखाता है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों रो में RYB के अलग अलग करंट दिखाता है और अलग अलग यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगी और पावर फैक्टर भी यहाँ पे आपको देखने पे मिल जाएगा क्योंकि ये मीटर VF मीटर है जो प्लस पावर फैक्टर के साथ में है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो चलते हैं इसके रियर साइड की और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑक्सिलरी सप्लाई है जिसकी सप्लाई रहती है 80 से 300 वोल्ट AC या DC, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। नीचे से फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे RYB जो कि सिटी की सेकेंडरी के कनेक्शन किए जाते हैं जो कि प्रोग्रामेबल रहते हैं 1 या बाई 1 या बाई 5। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे से ही VN VR VY और VB और VN के कनेक्शन किए गए हैं। देख सकते हैं RYB के जो कि E13 E33 E53 E73 के वोल्टेज के कनेक्शन इस पर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब फ्रंट व्यू में इसके चलते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें दो बटन होते हैं, इनको 3 सेकंड तक प्रेस करने के बाद इसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है। पासवर्ड फ्रेंड्स इसका 00 ही 4 टाइम्स है, तो हम इसमें अब बटन को 4 टाइम्स प्रेस करने के बाद इसमें पासवर्ड एंटर हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर डेटा के बारे में पूछता है, यदि आपको डेटा क्लियर करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे डेटा क्लियर नहीं करना तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे 3 फेज 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे 3 फेज 4 वायर 3 फेज 3 वायर और सिंगल फेज का ऑप्शन भी आता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे PT प्राइमरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारी PT 415 है तो हम यहाँ पे इसको 415 रखने वाले हैं। उसी प्रकार यहाँ पे PT की सेकेंडरी का ऑप्शन आता है, PT की सेकेंडरी फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसे कि 415 या 110 या 240 इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ, मैं इसको 415 रखने वाला हूँ क्योंकि हमारी PT सेकेंडरी यहाँ पे 415 ही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको चेंज करके आपको देखा। नेक्स्ट जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सिटी की प्राइमरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 600x5 की है, तो हम यहाँ पे 5 को देख सकते हैं इन दो बटनों के द्वारा इसको चेंज कर रहे हैं। अब बटन को दबाएंगे तो वैल्यू हमारी ब्लिंक करने लगती है और डाउन बटन से वैल्यू चेंज होती है। देख सकते हैं 0 से 9 तक ये वैल्यू जाती है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अब बटन को दबाया तो जिस वैल्यू पे भी ब्लिंक करता है उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो पॉइंट है ब्लिंक कर रहा है, हम इसको शिफ्ट करके 600 पे कर देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे K की वैल्यू या हमारी बिलिंग कर गई तो हमें K पे नहीं रखना है, ध्यान रखना होता है हमको, इसको हम 600 करने वाले। देखिए K की वैल्यू बैठ गई है, इस प्रकार यहाँ पे हमारा 600 यहाँ पे सेट हो गया है। डाउन बटन दबाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिटी की सेकेंडरी पे पहुँच जाएंगे। सिटी की सेकेंडरी फ्रेंड्स हम यहाँ पे 5 देख सकते हैं, इसको मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, उसको चेंज भी कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 5 की है तो हम इसको 5 ही रखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से 5 सेट कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी 5 हो गई है, अब बटन दबाएंगे तो वैल्यू हमारी सेट हो जाएगी। देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स सेट हो गई है। डाउन बटन दबाएंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा डिटेल आउटपुट बने जो कि डिसेबल है। उसके बाद देख सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू है फ्रेंड्स, ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है जो हमारा डिजिटल आउटपुट 2 है जो कि डिसेबल है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 है, हमारा डिजिटल आउटपुट डिले जो कि 1 से 180 सेकंड तक हो सकता है, जो डिफ़ॉल्ट में 3 सेकंड है। फ्रेंड्स हमारा बोर्ड रेट है 9600, पेरेटी हमारी इवन है, नन्हिया ओड में भी हो सकती है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी सिलेक्शन आईडी है जो कि 1 से 247 तक हो सकती है। ये पासवर्ड है फ्रेंड्स हमारा जिसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा पोल है RPM के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम डेटा को सेव कर सकते हैं या NI, यदि आपको डेटा सेव करना तो वाई पे आएंगे, नहीं तो N पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा को सेव करना है तो वाई पे हम इसको अब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें मॉडल नंबर आ गया 4110 और इसका वर्जन नंबर आ गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 3999। उसके बाद ये करंट है, करंट इसमें चल नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे 00 दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी 49.91 है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। उसके बाद सिंगल फेज के लिए दिखा रहा है, ये एवरेज वैल्यू दिखाता है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 398.99, ये हमारी वोल्टेज है
जीरो करंट है, उसके बाद ये पावर फैक्टर है नीचे जो डैश डैश में पावर फैक्टर, यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा क्योंकि करंट यहाँ पे कुछ भी है नहीं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मीटर कॉन्फिगर हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।